हेलो गाइस नमस्ते। आज की रेसिपी में हरियाली चिकन बनाएंगे। तो यहाँ चिकन ले ली है अच्छे से धो के साफ करके, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालते हैं, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच जीरा पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, यहाँ पे एक चम्मच नमक डालते हैं, यहाँ चार बड़ा चम्मच दही डालते हैं, कसूरी मेथी को हाथ से क्रश करके डालते हैं। डाल के सभी को अच्छे से मिला लेते हैं हाथ से। अगर आपके पास समय है तो इसे 10 मिनट के लिए रख सकते हैं मैरिनेट करके, नहीं तो तुरंत बना सकते हैं। आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल के अच्छे से मिला लेते हैं। यहाँ चिकन को मैरिनेट कर लिए हैं, तो चलिए बनाते हैं। गैस पे कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया है। कढ़ाई गर्म हो गया है, घी डालते हैं। अब बटर या तेल से भी बना सकते हैं। यहाँ घी मेल्ट हो गया है, तो कुछ खड़े गर्म मसाला डालते हैं। एक दालचीनी, एक बड़ी इलायची, छोटी इलायची, जावित्री का फूल और दो लौंग, दो तेज पत्ता डालें। यहाँ कटा हुआ प्याज डालते हैं। प्याज को अच्छे से भून लेते हैं गुलाबी होने तक। यहाँ प्याज सॉफ्ट हो गए हैं, तो एक दो मिनट के लिए और भून लेते हैं। यहाँ प्याज भुना गए हैं, गुलाबी हो गए हैं, तो इसमें चिकन डालते हैं मैरिनेट किया हुआ, तो इसमें चिकन डालते हैं। मिला देते हैं चिकन को, कवर करके 3 से 4 मिनट पकने देते हैं। पुदीना डालते हैं मिक्सी जार में, हरा धनिया, दो हरी मिर्च, यहाँ आधा चम्मच काली मिर्च, यहाँ डाल के सभी को पेस्ट बना लेते हैं। यहाँ पे 3-4 मिनट हो गया है चिकन को पकते हुए, खोल के चेक कर लेते हैं। कवर पुदीना हरा धनिया पीस के रखे हैं, डालते हैं चिकन में, डाल के अच्छे से मिला लेते हैं। यहाँ पे चिकन को मिला लिए हैं, कवर करके 5-6 मिनट के लिए पकने देते हैं। यहाँ 5-6 मिनट हो गया है चिकन को पकते हुए, तो देखिए चिकन अच्छे से मिल गया है, अच्छे से पक चुका है। यहाँ पे ग्रेवी के लिए आधा कप पानी डालते हैं, अपने हिसाब से डाल सकते हैं कम ज़्यादा। यहीं पे आधा चम्मच गरम मसाला डालते हैं, वापस से कवर करके 2-3 मिनट के लिए और पकाते हैं। यहाँ गैस ऑफ कर लेते हैं, बाउल में निकालते हैं, तो देखिए हरियाली चिकन बनकर तैयार हो गया है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हैं। यहाँ चिकन मसाला, चिकन कढ़ाई हमेशा बनाते होंगे, एक बार इस तरीके से ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी बनेंगे। जो नॉनवेज खाना पसंद करते हैं तो एक बार इस तरीके से ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर पूरा वीडियो देखने के बाद रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।